गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। यस्टरडे आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज बी आंसर विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। इन एक्सरसाइज बी टुडे इज द थर्ड क्वेश्चन। दे यूज लार्ज नीडल टू स्टिच द पेजेज ऑफ बुक्स। यू कैन बाई वन ऑफ दोज फॉर हर मेजेस्टी। जब रामा निदिल की दुकान पे गया तो वहाँ पे उसको बड़ी छुरी चाहिए, तो जो भी उसने दुकानदार ने दिखाया उसके लिए बहुत छोटा लगा, क्योंकि वो रानी ने उसके साथ चार और लोगों को भेज दिया था। तो वो मोर के साथ उसको पता नहीं था छुरी कितनी बड़ी होती है, तो सोचा हमको और बड़ी चाहिए। जब वहाँ पर बोला हमको ये पसंद नहीं है, तो वहाँ से वो दुकानदार बोलता है दे यूज द लार्ज निदिल टू स्टिच द पेजेस। उन्होंने बुक की दुकान, बुक को बाइंड करने वाली दुकान पर उसको भेजा, बोला कि वो लोग बड़ी सुई इसका यूज करते हैं। यू कैन बाई वन ऑफ दोज फॉर हर मेजेस्टी। आप उसमें से अपनी महारानी के लिए उसमें से एक खरीद सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज यू इन द सेंटेंस एबव। इन दिस सेंटेंस यू किसके लिए यूज हुआ है। इन दिस सेंटेंस एबव यू इज रामा। ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, इसमें यू का यूज रामा के लिए किया गया है, क्योंकि जो दुकानदार था शॉपकीपर था, रामा से बोला कि तुम वहाँ पर जा सकते हो और एक कोई सुई खरीद सकते हो। नाउ बी क्वेश्चन, वुड द क्वीन हैव बीन हैप्पी विद ए नीडल यूज टू बाइंड बुक। क्या रानी जो इससे बुक बाइंड किया जाता है उस नीडल से खुश हुई होंगी। आंसर नो, नहीं, क्योंकि वो बुक बाइंड करने वाला नीडल लाया भी नहीं था, ना ही उससे खुश होती। द क्वीन वुड नॉट हैव बीन हैप्पी विद ए नीडल यूज्ड टू बाइंड बुक्स। नहीं, क्वीन रानी उस मतलब बुक बाइंड करने वाले नीडल से खुश नहीं हुई होगी। नाउ एक्सरसाइज सी, नंबर द इवेंट करेक्टली अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। यहाँ पे देयर आर सेवन सेंटेंस, सबको सेक्वेंस वाइज लगाना है बुक में, जैसे कहानी में जिसका उसको जिसके बारे में बताया गया है उसी को सबसे पहले रखेंगे। इन दिस इवेंट रामा वाज एम्प्लॉयड एज द चीफ सर्वेंट बाय द क्वीन। रामा रानी के द्वारा अपना मुख्य सेवक, मुख्य नौकर के रूप में उनको सबसे पहले रखा गया था। सो सेकंड के सामने यहाँ पे वन फिल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही इवेंट घटित हुआ था। उसके बाद आता है ही वेंट टू द मार्केट टू बाई आयल विदाउट टेकिंग ए वेसल विद हिम। उसके बाद रानी ने उनको जब आयल के लिए मार्केट भेज देती है, तो मार्केट ऑफ विदाउट वेसल चला जाता है, बिना पतीले के चला जाता है, बिना किसी बर्तन के चला जाता है। उसके बाद आता है द शॉप ओनर लाफ्ड एंड पोर्ड द आयल इन टू द रामर्स पॉकेट। क्योंकि जब उसके पास कोई बर्तन नहीं था, वो बोलता है मेरे पॉकेट में इसको उड़ेल दो, तो वहाँ पे जो शॉप ओनर था वो बहुत हंसता है उसके ऊपर और उसके पॉकेट में अपने उस आयल को उड़ेल देता है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, द क्वीन टोल्ड रामा टू टेक फोर सर्वेंट विद हिम ही वेंट टू द मार्केट। उसके बाद जब रानी को निदिल की जरूरत थी, तो रामा से बोलती है कि अपने साथ चार और लोगों को मार्केट ले जाओ, बिना चार लोगों को ले गए तुम न जाना। उसके बाद पांचवा स्टेटमेंट है द शॉप ओनर टुक हिम टू द होलसेल मार्केट। क्योंकि जब वहाँ पे कपड़ा से वो बुक बाइंड करने वाली बुक दुकान पे भेजा, तब भी उसको पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे उसको होलसेल मार्केट में भेजा। उसके बाद आता है रामा कर्व्ड आउट आई ह्यूज नीले फ्रॉम ए ट्री ट्रंक। जब उसको वहाँ भी उसको पसंद नहीं आया, जब होल सेल मार्केट या बुक बाइंडिंग करने वाली दुकान पे, उसके बाद क्या सोचा कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। उन्होंने एक पेड़ की तने को, मोटे तने को काटा और उसमें होल किया और एक तरफ मुकीला किया, सुई के आकार का बना दिया। उसके बाद लास्ट है द क्वीन डिसमिस्ड रामा। जब वही पेड़ को सुई के आकार का बनाकर जब रानी के पास ले गए, तो रानी उसको देखी और बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। उसके बाद उसको अपने महल से, उसके जॉब से निकाल दिया द क्वीन जिसमें द रामा। सो फिल योर बुक
एंड राइट एक्सरसाइज बी थर्ड क्वेश्चन इन योर कॉपी टू डेज होमवर्क इज फिल बुक एक्सरसाइज बी एंड सी।